वज़ीर आज़म का जर्मन चांसलर से टेलीफोनिक राब्ता, कर्जों में रिलीफ के लिए आलमी इकदाम की अपील के हवाले से गुफ्तगू की। इमरान खान ने कहा कि तरक्की पजीर ममालिक कर्जों की अदायगी की वजह से कोरोना वायरस से शदीद मुतासर होंगे। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस से जारी बयान के मुताबिक इमरान खान ने कर्जों में रिलीफ के लिए आलमी इकदाम की अपील के हवाले से जर्मन चांसलर एंगेला मर्केल से टेलीफोन पर गुफ्तगू की। वज़ीर-ए-आज़म ने जोर दिया कि कोरोना वायरस की वजह से आलमी सतह पर सेहत और मईशत में गैर मामूली बहरान पैदा हुआ है और तरक्की पजीर ममालिक तंग दस्ती और कर्जों की अदायगी की वजह से इससे शदीद मुतासर होंगे। उन्होंने कहा कि तरक्की पजीर ममालिक के लोगों को कोरोना वायरस या भूख से मौत के मुश्किल इंतखाब का सामना है। वज़ीर-ए-आज़म ने जर्मन चांसलर को आगाह किया कि कोविड-19 के चैलेंज से निपटने में तरक्की पजीर ममालिक की काबिलियत का इन्हसार फौरी तौर पर और बगैर किसी शर्त के कर्जों की अदायगी में रिलीफ की फराहमी पर है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि अक़वामे मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के अलावा जर्मनी जैसे ममालिक G20 ममालिक के वज़राए खजाना के इजलास, बैनुल अक़वामी मालियाती इदारे और आलमी बैंक के इजलासों में इस सिलसिले को उजागर करेंगे। दो रोज कबल वज़ीर आज़म इमरान खान ने कोरोना वायरस के हवाले से आलमी बरादरी से खिताब में कर्जों में छूट की अपील करते हुए कहा था कि तरक्की पजीर ममालिक के लिए सबसे बड़ा खतरा भूख से लोगों की हलाकतें हैं।